एक जो आपने मुझे कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं खून देने की जरूरत नहीं, सिर्फ वोट दे रही मैं तो सिर्फ यहाँ आज आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और मैं आपको जो वचन देता हूँ, जो बाला साहब से अपना रिश्ता जुड़ा हुआ है, यही रिश्ता सिर्फ हम आगे भी बढ़ाएंगे और उसको और मजबूत करेंगे। कुछ साल पहले भी यहाँ आया था और मुझे कहा गया कि इस मंदिर में बाला साहब भी आए थे, आरती भी की थी। तो अपना रिश्ता पुराना है। आपने मेरा स्वागत किया, बहुत अच्छा है, सभी एक खुशी की बात है। लेकिन एक जो आपने मुझे कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं। कौन सी बात? आपने कहा अतिथि, मैं अतिथि नहीं हूं। मैं अपने परिवार का एक व्यक्ति हूं, अपने घर का एक आदमी हूं। अतिथि तो बाहर से जो आते हैं उनको कहा जाता है, लेकिन मैं तो मेरे अपने थाने में आया हूं, मेरे अपने जैन परिवार में आया हूं। और एक संयोग की बात ऐसी है कि 8-10 दिन पहले ही मैं राजस्थान गया था और श्रीनाथ जी का दर्शन और उनके आशीर्वाद लेके मैं आया हूं। शायद वो एक चमत्कार होगा कि मैं मंदिर जाने के बाद 10 दिन भी नहीं हुए और यहां मुनिवार के सभी आचार्य महाराज जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं, आपके सब आपका सहयोग मिलने जा रहा है। और कल तो प्रतिष्ठापना है, तो प्रतिष्ठापना झाले होती सुधा मी आशीर्वाद घ्यायला येणारच आहे। और एक बात मैं खास कहूंगा, क्योंकि अब तो प्रजातंत्र है, आज प्रजासत्ताक दिन है, त्याच्या तो शुभेच्छा आहेच, पण हे प्रजासत्ताक आपल्याला टिकवायचं। खास कहूंगा क्योंकि अब तो प्रजातंत्र है, आज प्रजासत्ताक दिन है, त्याच्या तो शुभेच्छा आहेच, पण हे प्रजासत्ताक आपल्याला टिकवायचं। आणि अगर प्रजासत्ताक की रक्षा करनी हो तो आपने जो बात कही, आप क्या मांगे तो हम खून दे देंगे। नहीं, खून देने की जरूरत नहीं, सिर्फ वोट दे देंगे। सिर्फ वोट दे दो, बाकी कोई बाकी हम देख लेंगे। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि आचार्य महाराज जी ने अखंड भारत का सपना, उनका एक सपना है, हम सबका सपना है, जरूर करेंगे, लेकिन आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद के बिना उस शक्ति, आशीर्वाद की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आशीर्वाद अगर मिल जाए, उसकी शक्ति, आशीर्वाद की शक्ति अगर मिल जाए तो कोई असंभव नहीं है। मैं तो सिर्फ यहां आज आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मैं आपको जो वचन देता हूं, जो बाला साहब से अपना रिश्ता जुड़ा हुआ है, यही रिश्ता सिर्फ हम आगे भी बढ़ाएंगे और उसको और मजबूत करेंगे। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।